In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Ghan Chakkar. Dosto movie Ghan Chakkar, jo release hui thi 28 June 2013 ko, ye ek Bollywood black comedy drama movie hai jisko 5 mein se 3 star ki rating di gayi thi. Iske director aur writer hain Rajkumar Gupta. Iske producer ki baat kare to wo hai Ronnie Screwvala aur Siddharth Roy Kapoor. Ab aate hain cast par. Isme Imran Hashmi, Vidya Balan, Rajesh शर्मा और नमित दास ये चारों इसमें लीड रोल में नजर आए थे, लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. ये इमरान हाशमी और विद्या बालन इन दोनों की एक साथ सेकंड फिल्म है. पहली फिल्म थी दी डर्टी पिक्चर जो आई थी साल 2011 में. अब फिल्म की बेसिक स्टोरी की बात करते हैं. स्टोरी में इमरान हाशमी और विद्या बालन दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल निभाते हैं, लेकिन जो विद्या बालन का रोल है उनके रोल पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, सारा फोकस किया जाता है इमरान हाशमी के ऊपर. अब ऐसे में क्या होता है, इमरान हाशमी और उनके दो दोस्त राजेश शर्मा और नमित दास तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ये तीनों एक बैंक रॉबरी करें, और जो भी सारा ये तीनों पैसा लूटेंगे वो सारा पैसा इमरान हाशमी अपने पास कहीं पर भी सेफ जगह छुपा कर रखेंगे. लेकिन अब ये बैंक रॉबरी करने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब इमरान हाशमी अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, यानी कि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि आखिर में उन्होंने जो पैसा लूटा था वो आखिर में उन्होंने छुपाया तो छुपाया कहाँ पर. वैसे फिल्म देखने में मज़ा बहुत आने वाला है. खैर बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफटाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 38 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का. इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 51 करोड़ 85 लाख रुपीज़ का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 6 करोड़ 96 लाख की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 58 करोड़ 81 लाख रुपीस का. इसका बजट था 29 करोड़ का. अब 29 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से बाहर ओवरसीज का, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म घन चक्कर बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल वर्डिट है वर्ल्ड वाइड अबव एवरेज की. गानों की बात की जाए तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 5 गाने थे. गानों को कंपोज किया था अमित त्रिवेदी जी ने, और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य जी ने. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.